आज अम्बाला में कितने लोग संक्रमित हैं, कितने डिस्चार्ज हुए, क्या कुछ डिटेल्स? आज अम्बाला में जो अभी तक लैब से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, 92 नए केस यानी 92 नए केस कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। और ये 92 नए केस जो कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं, इनमें अम्बाला सिटी से 49 हैं, अम्बाला कैंट से 18 केस हैं, चौड़मसपुर एरिया के जो उसका चौड़मसपुर का ग्रामीण एरिया है उससे 12 केस हैं, मुलाना से 6 केस हैं, 5 केस बराड़ा से हैं, एक केस नारायणगढ़ से है और एक केस सजादपुर से है। इसके साथ ही जो टोटल पॉजिटिव केसों की संख्या अम्बाला जिले में 2,863 हो गई है और आज 55 केस डिस्चार्ज भी हुए हैं। जो 55 केस डिस्चार्ज होने के बाद जो डिस्चार्ज होने वाले केसों की संख्या 2,457 हुई है और जो आज के टाइम पे एक्टिव केस हैं वो 382 अम्बाला जिले में एक्टिव केस हैं। और इसके साथ साथ जो रैपिड एंटीजन की टेस्टिंग पूरे जिले में की जा रही है, लगभग पिछले एक दिन में हमने 1,000 के आसपास रैपिड एंटीजन से टेस्ट किए हैं, तो उसमें से भी काफ़ी पॉजिटिव निकल रहे हैं, चाहे वो मुलाना से हों चाहे वो बराड़ा से हों। ये मुलाना बराड़ा के जो केस हैं ये सारे के सारे रैपिड एंटीजन से हैं। सीरो सैंपलिंग की सैंपलिंग खत्म हो चुकी है, सिर्फ लैब में टेस्टिंग बाकी है। इवन कल चाहे बारिश हो रही हो उसमें भी आज भी बारिश में भी टीमें लगी रही और सीरो सैंपल लेने का काम कंप्लीट हो गया है, सर्वे का काम कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ लैब की रिपोर्ट बाकी है, लैब की रिपोर्ट आनी, उससे पता लग जाएगा कि कितने परसेंट में अभी तक एंटीबॉडी बनी है।